मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। राहुल गांधी इन दिनों काफी चर्चाओं में है। चर्चा उनके उस एक ट्वीट की वजह से हो रही है जिसको लेकर पहले तो बवाल हुआ, हल्ला मचा, और उसके बाद ट्विटर ने भी एक्शन लेते हुए उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। हालांकि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पेज से जानकारी दी गई थी और कहा गया था कि कुछ डेवलपमेंट होना है, उसमें कुछ अपडेट होना है, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए लॉक किया गया है और बाद में इसको बहाल कर दिया गया। कुछ देर के लिए राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल ये कह लीजिए कि लॉक रहा, जो कि कांग्रेस कह रही है। लोगों का कहना है और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि उनका अकाउंट सस्पेंड किया गया था। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये जो पूरा ट्विटर पर हल्ला मचा है, ये मचा है एक ट्वीट के बाद जिसको राहुल गांधी ने किया था, और ये ट्वीट जुड़ा था उस 9 साल की बच्ची के साथ जिसका कथित तौर पर रेप हुआ था और फिर उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया था। दिल्ली के कैंट इलाके के नागर क्षेत्र से पूरी घटना सामने आई थी। इस पीड़ित बच्ची के परिजनों से मिलने के लिए राहुल गांधी ने बाकायदा उन्हें अपनी गाड़ी में बुलाया था और बैठ के उनके साथ बातचीत की थी, और इसकी एक तस्वीर उन्होंने उजागर कर दी थी, साझा कर दी थी, जिसके साथ उन्होंने लिखा था कि ये देश की बेटी जो न्याय मांगती है और माता पिता की आंखों में आंसू है, जो आंसू लिए यही गुहार लगा रही है कि कब न्याय मिलेगा। बता दें आपको, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी बच्ची के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी पहचान या फिर उसके परिवार की पहचान को उजागर किया जाए, लेकिन जो तस्वीर राहुल गांधी ने साझा की थी उसमें माता पिता के चेहरे पूरी तरीके से दिख रहे थे। इसी को लेकर बीजेपी ने उन पर तंज कसा था और संबित पात्रा ने तो बकायदा कार्रवाई की मांग तक कर डाली थी। बकायदा ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी कि राहुल गांधी ने कानून तोड़ा है। खैर, इन सबके बीच पहले तो ट्विटर ने वो ट्वीट डिलीट किया और उसके बाद कुछ देर के लिए उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस की तरफ से जो जानकारी दी गई थी वो भी जरा आप सुन लीजिए। कांग्रेस की तरफ से कहा गया था, श्री राहुल गांधी's ट्विटर अकाउंट हैज बीन टेम्पररीली सस्पेंडेड एंड ड्यू प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड फॉर इट्स रिस्टोरेशन। अंटिल देन ही विल स्टे कनेक्टेड विद यू ऑल थ्रू हिज अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड कंटिन्यू टू रेज हिज वॉइस फॉर आवर पीपल एंड फाइट फॉर देयर कॉज। जय हिंद। तो इस तरह से कांग्रेस की तरफ से भले ही सफाईनामा पेश किया जा रहा हो, लेकिन लोग राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको अपनी गलती अब मान लेनी चाहिए जो गलती आपने की थी। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।